पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। रेखा, क्या मांगा भगवान से? वही जो रोज मांगती हूँ। तो इसका मतलब तुम हर रोज एक ही प्रार्थना कर रही हो? हाँ, जब भगवान मेरी प्रार्थना सुन लेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, भगवान आपकी मनोकामना शीघ्र अति शीघ्र पूरी करे। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। धन्यवाद। वैसे जनाब, आपको फैक्ट्री नहीं जाना है? जाना तो है, लेकिन क्या करें, रोजाना आपकी बातों में उलझकर यूं ही लेट हो जाते हैं। अच्छा जी, लेट खुद होते और नाम हमारा लगाया जा रहा है, वाह वाह वाह। आपका नाम ना लें तो किसका नाम लें? अच्छा बाबा, अब आप मजाक छोड़िए और फैक्ट्री जाइए, पिताजी मेरा इंतजार कर रहे हैं। अब रेखा सुनो। अरे के बात हो गई, आज इतनी देर हो गई, तुम्हारी बहू चाय नाश्ता लेके नहीं आई? हाँ, आ जाएगी, कुछ काम कर रही होगी। वैसे एक बात है, तुम्हारी पसंद की दाद देनी पड़ेगी, हैं? हर घर में एक रेखा जैसी बहू होनी चाहिए। पिताजी, रेखा आओ आओ बहू। देखियो आ गई ना रेखा। क्या बात है बहू, आज नाश्ता लाने में बड़ी देर कर दी है। मासा, मैं वो। कोई बात नहीं बेटा, राहुल फैक्ट्री चला गया? जी बस, जाने ही वाले हैं। और राकेश? वो तो सुबह ही चले गए थे, कह रहे थे कुछ हिसाब किताब का जरूरी काम करना है। वैसे पता है, रेखा सबसे ज्यादा आपका ख्याल रखती है। क्यों, तुम्हारा नहीं रखती क्या? और तुम्हारा ही क्या, रेखा तो सारे परिवार का ध्यान रखती है। वैसे रेखा में सारे गुण हैं, बस एक गुण छोड़ के। कौन सा? इसे किसी बड़े घर में पैदा होना चाहिए था, ताकि तुम्हारे लिए ढेर सारा दहेज लेकर आती। शांति, धनवान वो है जो गुणवान है। रेखा के पास संस्कारों की वो दौलत है जो किसी भी रोकड़ से कम नहीं। पिताजी आप नाश्ता कीजिए। कर लेंगे बेटा, लेकिन तू खड़ी क्यों है, बैठना। हाँ बैठो। क्यों जी, राजीव के लिए भी रेखा जैसी बहू लाना चाहोगे ना? हाँ? शांति, पति पत्नी के रिश्ते तो भगवान के घर से ही बनकर आते हैं। माँ बाप तो सिर्फ रिश्तों की कड़ी जोड़ने का काम करते हैं। राजीव के विदेश जाने से पहले ही अगर हम उसका रिश्ता तय कर लें तो अच्छा होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो विदेश रजनी भी आ गई। वो कल तुम राजीव के रिश्ते की बात कर रही थी ना? हाँ हाँ हाँ, आप लोग भी इसी विषय पर बात कर रहे थे। पिताजी मैं आपको लड़की का फोटो दिखाने के लिए लाई हूँ। अच्छा, देखे तो सही। अरे वाह, लड़की तो सुंदर है भाई। लिखाओ। पिताजी लड़की फोटो से भी ज्यादा सुंदर है। मैं तो कहती हूँ राजीव के लिए बिल्कुल सही रिश्ता है। क्यों रेखा, तुझे कैसी लगी? जी सुंदर है। तो फिर रिश्ता विश्ता पक्का कर दो। भाई राजीव को भी फोटो दिखा दो, अगर उसे पसंद है तो आगे उसके परिवार वालों से बात करें। बात बात नहीं करनी, बस आप तो रिश्ता पक्का कर दो जी।
पिताजी ऐसा रिश्ता ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। हाँ। क्यों रेखा? बड़ी भाभी आप लोग घर के बड़े हैं, कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे, लेकिन मेरी राय से पिताजी एक बार राजीव से भी उसकी पसंद पूछ लेनी चाहिए। वाह बहू वाह, कितनी अच्छी बात कही है। उसके बाद में हम उसके परिवार वालों से भी मिल लेंगे। पिताजी मैं रिश्ते की बात कर चुकी हूँ। ठीक है देख लेंगे। अच्छा अब मैं चलता हूँ। बहू तुम चिंता मत करो, रेखा राजीव को मना लेगी, है ना रेखा? लेकिन माँ साहब पिताजी ने तो कहा। पिताजी भी मान जाएंगे, तुम चिंता मत करो। ये राजीव है कहाँ? अपने कमरे में कंप्यूटर पर किटकिट कर रहा होगा या फोन पर पिटपिट कर रहा होगा। जा रेखा तू देख कर आ। जी बड़ी। डार्लिंग, मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। देखा, लेकिन तुमसे पहले मैंने फोन कर दिया। वो क्या है कि जो दिल से याद करते हैं ना, उन्हें फौरन पता चल जाता है कि कोई उन्हें याद कर रहा है। अब तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। अच्छा कहाँ? वहीं जहाँ हम हमेशा मिलते हैं। मैं अभी आया। I'm waiting for you. Bye, see you. अरे राजीव। अरे भाभी आप। हाँ मैं। क्या बात है, कहीं जा रहे हो क्या? एक बहुत अर्जेंट काम पे जा रहा हूँ मैं। ओह कब तक वापस आओगे? कुछ कह नहीं सकता भाभी। वो क्या है भाभी, विकी और मेरे सारे फ्रेंड्स को मालूम पड़ गया है। मालूम पड़ गया? क्या मालूम पड़ गया है? यही कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ और इसी खुशी में उन्होंने बहुत बड़ी पार्टी थ्रो की है। हाँ भाभी मैं लेट हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अब एक मिनट राजीव, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी। भाभी अपन बाद में बात कर सकते हैं, रात को मैं आ जाऊंगा तब बात करेंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है, लेकिन रात को लेट नहीं होगे, बिल्कुल नहीं। प्रॉमिस भाभी मैं सीधे आपके पास आऊंगा, पार्टी खत्म होते ही मैं जाऊंगा। भाभी आई एम गेटिंग लेट भाई, बाय। हां हां बाबा। अच्छा सुनो, वो दफ्तर में भैया को फोन कर लेना। मेहता जी दर्द उसी को महसूस होता है जिसको चोट लगती है। ये देखिए, ये देखिए, हमने कनाडा में 1,80,00,000 रुपए का कंसाइनमेंट भेजा था, उसकी एंट्री कहां गई? हाँ आप जरा उस अकाउंटेंट की लगाम को कस के रखिए। अब एक एक एंट्री को मुझे ही चेक करना पड़ेगा तो कैसे काम चलेगा? सॉरी सर, इस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। ठीक है आप इन फाइलों को करीने से रखा दीजिए। ठीक है सर, घर चलता हूँ। सर एक मिनट, ये वाचर पर आपके काउंटर साइन चाहिए। काउंटर साइन? जी हाँ, वो आज राजीव जी 20,000 कैश लेकर गए थे। 20,000? ये राजीव सुधरने वाला नहीं। और ये सेकंड, ये रिसिट किसकी? ये वो नैनीताल 3,00,000 का चेक भेजा था ना आपके बच्चों की बोर्डिंग के लिए। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, बच्चे अच्छा कर रहे हैं नैनीताल बोर्डिंग में। और हाँ इन फाइलों को जरा करीने से लगवा लीजिए। एक बार राजीव का रिश्ता तय हो जाए ना, फिर मैं बच्चों को नैनीताल से वापस ले आऊंगी। आपको क्या लगता है मासा, पिताजी रागनी से राजीव के रिश्ते की बात स्वीकार कर लेंगे? क्यों क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। तो फिर एक बार फोटो देखते नहीं स्वीकार कर लेते? तू जानती नहीं क्या, उनका तो स्वभाव ही है, हाँ करने से पहले 4 बार सोचते हैं। मासा अगर उन्होंने स्वीकार नहीं किया ना तो मेरी तो बात खराब हो जाएगी। बड़ी बहू रानी शुभ शुभ बोलो, शुभ कार्य में अशुभ बातें नहीं सोचनी चाहिए, राजीव को रिश्तों तो तय समझो। तेरे मुंह में घी शक्कर। अजी घी शक्कर खाकर बीमारी को टोकरो रख रहे हो मेरे माथे पर। मैं तो राजीव की शादी में
एक तोले की चैन लूंगी सोने की। हाँ ठीक है ठीक है, पहले शादी तय तो हो जाने देना। शादी तो तय समझो। क्या हुआ रेखा, राजीव से बात हुई? नहीं बड़ी भाभी। क्यों, वो तो अपने कमरे में ही था ना? माँ साहब, मैं बात शुरू करने ही वाली थी कि वो किसी जरूरी काम से बाहर निकल गया, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, क्या कह गया है कि रात को आएगा तो बात करेगा। बहू बस तुम राजीव को समझा बुझा के तैयार कर लो, मुझे पता है वो तुम्हारी बात बिल्कुल भी नहीं टालता है। रेखा कुछ भी हो, हमें ये रिश्ता हाथ से नहीं जाने देना है। वही तो, आजकल इकलौती लड़कियों के रिश्ते मिलते कहाँ है, है ना बहू? और वो भी करोड़पति बाप की इकलौती बेटी। और फिर रागिनी के पिताजी ने तो कहा है कि उनके बाद सारी प्रॉपर्टी राजीव को ही तो मिलेगी। बस राजीव हाँ कर दे, फिर हम लोग कल ही जाके रिश्ता पक्का कर देते हैं। बहू जी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं माँ साहब, मैं सोच रही थी कि कहीं राजीव इस रिश्ते के लिए ना कर दे। एक बार पहले भी वो एक रिश्ता ठुकरा चुका है। रेखा, उस रिश्ते में और इस रिश्ते में उतना ही अंतर है जितना धरती और आसमान में। बस अब राजीव से बात करना तेरा काम है और पिताजी को मनाना भी तेरी जिम्मेदारी है। ठीक है बड़े भाभी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। अच्छा मासा, रसोई में काम है। सब राजी खुशी तय हो जाएगा, बस एक बार राजीव हाँ कर दे। मासा, कहीं ऐसा तो नहीं रेखा जानबूझकर राजीव से बात नहीं कर रही है? पता नहीं क्या सोचे है। नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा, बल्कि मुझे लग रहा है वो रिश्ते से खुश है। देखेंगे मासा। चलो लाडे सर बहु, लाडे सर बहु। सुभद्रा, चाबी। घर पे सब लोग सो गए ना? भाभी आप? हाँ मैं। आई स्वेयर भाभी, मैंने बिल्कुल शराब नहीं पी है। वो तो तुम्हारे मुंह से आती महक और तुम्हारे कपड़ों का अंदाज बता रहा है कि तुमने शराब पी कि नहीं। ये सुभद्रा कहाँ गई भाभी? मैंने उसको कहा था कि सुभद्रा को मैंने सोने के लिए कहा। भाभी आप एक कमाल करती, उसको सोने के लिए कह दिया और आप जाग रही। देखो राजीव, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। भाभी राजीव, बड़ी भाभी और मासा ने तुम्हारा रिश्ता तय करने का सोचा।